मतलब वेस्ट मटेरियल है, आयरन के प्रोडक्ट्स है, उनसे एक अलग अलग ना पार्क के अंदर खूबसूरती दी जा रही है, मतलब रिसाइकल्ड। साउंड सुनो, तो देखो इसके अंदर ना कोई एक चीज दिखा दो, ये देखो क्या, ये पार्क के अंदर ये एंट्री है, देखो पूरे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, करण रसम ब्लॉग। तो आज नए दिन की नई शुरुआत हो रही है, पर आपको पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है उसका नज़ारा दिखा देते हैं। ये भाई ये अभी कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ शुरुआत है यहाँ की, जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आज आपको लेके हूँ चाणक्यपुरी अपनी दिल्ली के अंदर, एक ऐसे पार्क के अंदर ना भाई जिसकी ना तारीफ होगी, मैंने इतनी जिसकी खूबसूरती की तारीफ मैंने इतनी सुनी है कि शायद मेरे को बंद करके पार्क में आने को। देखो मेरे जैसा इंसान जींस जींस पहन के रेडी होके आया है पार्क में, एक बार अपने आप को दिखाओ, देखो एक बार आंचल को देखो यहाँ पे, ये इसको देखो, ये आई है पूरी वॉकिंग है उसमें। तो गाइस जी अपना अपना पूरा सिस्टम है अगर क्या करने पार्क में आ रहे हैं, तो मैं तो आया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और आंचल में वर्कआउट करने। तो बिना किसी देर के चलते हैं इस पार्क में, इतनी खूबसूरत जगह है, क्या क्या है, क्या है इसकी खूबसूरती, चलते हैं और आपको चल के दिखाते हैं। तो देखो इसके अंदर ना कोई एक चीज़ दिखा दो, ये देखो क्या, ये पार्क के अंदर ये एंट्री है, देखो पूरे बढ़िया, इसको पता नहीं कौन सा ट्री बोलते हैं, कौन सा ट्री, पाम ट्री है, कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री की तरह लग रहे हैं, कोकोनट ट्री की तरह लग रहे हैं, कोकोनट ट्री तो नहीं है। तो भाई देखो अगर आप भी आते हैं ना, आना चाहते हैं यहाँ पे तो पिकनिक मनाने में ऑफिसर, तो इस जगह पे देखो लोग अपना पूरा इन्जॉय भी करते हैं, आके पिकनिक भी प्रॉपर बढ़िया से, क्योंकि इस पार्क की ना जो वाइब है वो अलग ही है भाई, और यहाँ पे जो वॉक करने का अलग मजा ना वो अलग है। देखो ऐसे हम ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक ट्रेल सी बनी हुई है, मुझे तो ऐसे गोवा की फील आ रही है, पूरी ट्रेल बनी हुई है जिसके बीच में से निकल रहे हैं ना, पर गोवा की फील ज्यादा आ रही है बस। तो अगली बार तुम्हें गोवा नहीं ले जाना, ये घुमाना तुम गोवा, कोई कहे गोवा ले जाओ अपनी वाइफ को तो नेहरू पार्क गोवा ले आओ उसको भाई, नहीं बट काफी ग्रीनरी मैंने कभी दिल्ली में देखी नहीं, आई थिंक मैंने पार्क नहीं देखा ऐसा कभी भाई, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं भी। देखो भाई क्या मस्त जगह लग रही है, देखो गोवा की फील आ रही है ना, है ना, तो तुम्हें गोवा नहीं ले जाना, वो अगली बार तुम्हें लेके आना नेहरू पार्क में, हमने नहीं बट ऐसी ग्रीनरी दिल्ली के किसी पार्क में है नहीं। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, देखो भाई क्या बढ़िया ट्रेल बनी है, चलो देखो इस पार्क में आपको एक खास बात बताऊँ, अगर आप वॉक करने के दीवाने हैं, मतलब रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, चलते हैं ना अच्छे से, तो मतलब आपके लिए देखो ये जो ट्रैक बनाया गया है यहाँ पे, ये पूरा NDMC ने बनाया, और ये देखो पूरा 3 किलोमीटर्स का रेडियस तक ये ट्रैक जा रहा है, जो पूरा ये रेड वाला बना है, और पूरा का पूरा सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, और ये नॉन स्लिपरी है, इस पर रनिंग करके बहुत मजा आता है, नॉन इसमें खड़े हो गए अलग लग रहा है ना, तो इस पर मतलब वॉक करने का, इसमें रनिंग करने का अलग ही एक्सपीरियंस है इस वाले ट्रैक पर अगर आप चलते हैं तो। और सिर्फ ये ऐसा दिल्ली का इकलौता पार्क है जिसके अंदर सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया, अभी तक और भी ऐसा कोई एक भी पार्क नहीं है। और तो मैं एक चीज और पता है, ये पूरा एरिया 80 एकर्स का है, 80 एकर्स का और इतना बड़ा पार्क है, चलते हैं वो इसकी ब्यूटी भी आपको दिखाते हैं वो आगे चल के। बस एक बार ना इस पार्क के अंदर हम जैसे मैं ना एक बार ये यहाँ पे चेकआउट करो, इतने प्लांट्स और इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, मतलब अगर आप वो ऑक्सीजन लेने आ रहे हैं यहाँ पे सैर करने आ रहे, तो ऑक्सीजन की कोई बढ़िया मतलब कोई भी बिल्कुल भी कम है, अगर ऑक्सीजन बहुत बढ़िया, देखो पूरे प्रॉपर जगह वॉशरूम्स बने हुए हैं, जगह जगह प्रॉपर अच्छे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं भाई, मैं कह रहा हूँ इतनी सारी अगर जगह पे हमारे तो वॉश हमें ऑक्सीजन की भी मतलब फ्रेश एयर मिल रही है यहाँ पे, इतना इतना अच्छे से देखो कितने सारे ट्रीज लगाए हुए हैं यहाँ पे ना, और सुबह आओ ना और मजा आएगा, कम से कम ट्रैफिक का शोर तो नहीं आएगा। ये बात भी सही है, पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ जरूर आओ। क्या बात है भाई, इतने अलग ही साउंड, जो बर्ड्स की चिरपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर्पिंग, जो बर्ड्स चर्पिंग के बर्ड्स की जो चर्पिंग होती है कितनी अच्छी लगी है भाई, ये जो खूबसूरत नजारा वाकई हमारी आंखों के सामने आना भाई, ये वाला नजारा शायद ही आपने किसी भी पार्क के अंदर देखा होगा दिल्ली के अंदर, जो यहाँ पे इतना बढ़िया अच्छे फाउंटेन्स लगाए हुए यहाँ पे भाई, क्या बात है। और यहाँ पर इनके हाँ इनके टाइमिंग्स भी हैं, प्रात मतलब सुबह 8 से लेकर 11 तक, दोपहर 1 से लेकर 3 तक, शाम 5 बजे से लेकर 10 तक चलते हैं भाई। और ये सबसे मेन चीज़ है ना, जो चेतावनी ये जरूर पढ़ ले, इसको पानी को न छुए इसमें करंट हो सकता है, ये देखो भाई क्या ब्यूटीफुल है भाई, ये देखो लोग अपना पिकनिक भी बना रहे हैं, चल देखो वहाँ पे आगे बैठे सारे, मतलब पिकनिक बनाने भी आए हुए हैं लोग यहाँ पे, हाँ अभी भाई ये कुछ अलग ही चीज़ दिख रही है, तो पीछे व्हाइट व्हाइट बना हुआ है ना,
वो भी चल के देखते हैं। हाँ। ऊपर से व्यू दिखाओ, वहाँ पे देखो बीच में जगह है बैठने के लिए, और ये वाली जगह देखो बैठने की, आगे आके दिखाओ। एक बार आगे चल के देखते हैं ना, तो एक बार इसका व्यू ऊपर चल के दिखाते हैं, पूरा चेकआउट करते हैं। मतलब ये जो अलग ही बेंचेस हैं, चल क्या है ये, आई थिंक योगा वोगा कर रहे हैं लोग बैठ के यहाँ पे। ये यहाँ योगा वाले नहीं, ये बेंचेस हैं, इसमें कुछ भी करो भाई, कितने बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ से आपको एक बार नज़ारा दिखा दो, बैठ के दिखाओ यहाँ पे, यहाँ बैठ के देखो, ये पूरा यहाँ से व्यू दिख रहा है फाउंटेन्स का। ओ भाई, ये पूरा बेंचेस हैं, यहाँ बैठो और मजा लो। वो देखो सारे बैठे हुए ना, यहाँ से व्यू दिख रहा है फाउंटेन्स का। तो गाइस अगर देखो आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, और आप लेने जाते हैं पिकनिक के मजे अपने फ्रेंड्स के साथ, ये फैमिली के साथ, तो प्रॉपर है ना यहाँ पे पूरा टनल टाइप बनाया हुआ है, जिसके आप देखो राइट पे पूरा बढ़िया अपना इसके फाउंटेन्स के मजे ले सकते हो। यहाँ पे आइए, खाने वाने का सामान लेके अपनी फैमिली के साथ पूरे पास पे चल के आएंगे। ऐसे रैम्प होता ना, जैसे VIP वाला फैशन डिजाइनर वाला, वैसे रैम्प चल गए, और आराम से यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली, अपने कपल्स या अपने बच्चों को लेके आके पिकनिक का पूरा मजा ले रहे, लोग सारे इन्जॉय ले रहे हैं यहाँ पे आराम से बैठ के इस उसका, ये देखो तो लोग सारे मजे ले रहे हैं यहाँ पे। इस जो ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है, पानी की छींटे जो मुँह पे पड़ रहे हैं भाई, ये अलग ही वो लग रहे हैं। फोटो जाकर खिंचवानी है तो वो तो अलग ही बात है। क्यों यहाँ चल, तो अब मेरी दो चार फोटो यहाँ पे तुम बड़ी बड़ी खींच दो या कुछ जाते ना इंडिया गेट, और ये ऐसे नज़ारे के मजे लेते हैं वहाँ पे। और अगर आपको लगती है वहाँ पे भूख, तो यहाँ पे भी पूरा पूरा खाने पीने का पूरा जुगाड़ है यहाँ पे, सारा देखो खाने को मिल रहा है यहाँ पे। भैया भेल क्या बना रहे भैया? भेलपूरी झालमुरी, मतलब ये है इफ़ यू कमिंग विद योर कपल एज अ कपल, तो ये भेलपूरी के मजे लेने हैं, तो यहाँ पे बैठ के हम पूरा मजे ले सकते हैं ना। भेलपूरी लो, वहाँ बैठो उसके सामने, और यहाँ पे बढ़िया मजे लो उसके सामने, क्या बात है। तो अगर आप भी हैं जिम जाने के शौकीन, अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से भी जिम जाते हैं, मतलब प्रोफेशनल तरीके से कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसे, किसी भी एथलेटिक्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो प्रॉपर यहाँ पे देखो हर चीज़ है, हर इतना बड़ा जिम और प्रॉपर लोग यहाँ पे ना बढ़िया से इन्जॉय ले रहे हैं इस चीज़ का। क्योंकि पता है आधे से ज़्यादा ना मज़ा यहाँ पे क्या होता है चल, आधे से ज़्यादा यहाँ पे मज़ा क्या होता है घूमने का, अगर तुम यहाँ पे इतनी चीज़ें देख रहे हो, जो इतना बढ़िया यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, इतने बढ़िया फाउंटेन्स हैं, इतने बढ़िया पार्क में प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जो ग्रीनरी है यहाँ की, वो तुम्हारे को वैसी वो कर देती है यहाँ पे, और लोगों को देख के मेरा ऑन मन कर एक्सरसाइज करूँ। क्या बात है, एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रही है, ये है क्या? ये वो होता है जैसे तुम रनिंग वनिंग करो ना, वो चीज़ है। इतनी बढ़िया चीज़ें बनी हुई थी एक्सरसाइज के लिए, मतलब जैसे मैं आपको बताता था जिम के चीज़ों के अलावा ना ये चीज़ें भी है, तो आज तो इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी ये चीज़ें पता करने की, आंचल स्पेशल पता कर गया कि है कि, और ये देखो ये इसके लिए होता है, ये ऐसे एक मिनट में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करना पड़ता है आधा घंटे उसको, पैर में दर्द होगी कि दो घंटे। हाँ, यही तो बेटे चीज़ है जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो भाई देखो, अगर यहाँ पे सैर करने के बाद, वॉक करने के बाद अगर आपको भी करना थोड़ा सा पुण्य वाला काम, तो ये देखो भाई, ये इतनी सारी फिशेज भी हैं यहाँ पे, देख लो छोटी छोटी फिश हैं, और अंकल यहाँ पे सबको खाना डाल रहे हैं। अंकल आपका रोज़ का काम होगा यहाँ पे, रोज़ आते होंगे आप, इनको खाना खिलाने की ड्यूटी आप ही की लग रही है मुझे। इस एरिया में ना अभी तो सर्दियों का टाइम आने वाला है, मगर अगर आप कभी दोपहर के टाइम भी आना चाहें, और आपका टाइम नहीं है मतलब वॉक करने का, तो दोपहर के टाइम भी आना चाहे, तो भाई यहाँ में ना आपको गर्मी लगने नहीं वाली, क्योंकि इस जगह पे एक बार आप आसपास एरिया देख रहे, देखो इतने सारे ट्रीज हैं कि मतलब ऊपर पूरा एक टनल टाइप बनी हुई है ट्रीज की ना, कि मतलब छाया ही रहेगी, आपको गर्मी लगेगी नहीं यहाँ पे आने में, तो ये भी मतलब पूरा। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो पार्किंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से पार्किंग है यहाँ पे, गाड़ी अंदर आराम से पार्क करिए, आइए इस मौसम का मजा लीजिए, मतलब सर्दियों का मौसम का मजा लीजिए, और ना अपनी सेहत बनाइए भाई बढ़िया एनवायरनमेंट के साथ। एक बात यहाँ भाई, ये देखिए अगर यहाँ पे आ रहे हो लेना जा, असली मजा आपने वॉक करने का, सैर करने का, ये सुनिए चेकआउट करिए, साउंड 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 सुनो,
देख रहे हैं, ये है असली। देखो इतनी सारी बर्ड्स देखने को आजकल ना हमें इंडिया दिल्ली के अंदर मिलती नहीं है, मगर ये जो जगह है ना यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स है क्योंकि अपने आप के अंदर इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे कि मतलब बर्ड्स भी अच्छे से यहाँ पे सारी पूरी है। तो गाइस मैं तो रनिंग और जॉगिंग कर करके ना बहुत गया हूँ थक, और मतलब जो मज़ा आया ना यहाँ पे वाइब का भाई, जींस में जॉगिंग कर रहा था, जो मज़ा आया यहाँ पे एटमॉस्फेयर, जो यहाँ का जो मतलब बैठने में इतना सुकून है ना, इतनी फ्रेश एयर मिल रही है भाई, मेरे को नहीं मिली हो किसी और पार्क में। अगर आप भी फ्रेश एयर के मज़े लेना चाहते हैं, नेहरू पार्क ही वो जगह है गाइस आपके लिए, और सारे पार्क से मिलते होंगे फ्रेश जगह, भाई यहाँ की जो वाइब्स है ना वो बिल्कुल अलग है भाई। तो यहाँ पे आप अगर आना चाहते हो लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन से आएंगे, अगर आप तो लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन उतरेंगे, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो गेट नंबर 4 से उतर के 10-20-30 रुपए आपसे ऑटो वाला लेगा, वॉकिंग करके आ रहे तो वॉक करके भी आ सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इंदौर चनक्यापुरी इज़ द प्लेस, नेहरू पार्क ही जगह आपके लिए। बाकी आई होप अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, गुड नाइट, शुभ कर, जींस पहन के बिल्कुल मत आइएगा।